जब आपके सेमेस्टर के क्लासेस ख़त्म हो जाए, जब आप क्रॉक का प्रिपरेशन करते करते बोर हो जाओ, जब आपको रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने का मन करे, तब आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा, मतलब हम क्या करेंगे। मेरे दो दोस्त भी है मेरे साथ, तो चले गया। ये मेरे घर के बगल में, सबसे बगल में है, बट फिर ये 24/7 नहीं है, ये रात भर खुला नहीं रहता है। एंड अभी हम लोग जाएंगे फिर वहाँ। खाने का तो घर में भी कुछ बना के खा ही सकते हैं, बट देन आज पूरा दिन घर से बाहर भी नहीं निकला था और दिन के टाइम पे पूरा बारिश भी हुआ था, तो फिर अभी मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ फार्मेसीज रात भर खुले रहते हैं, और वैसे ही यहाँ पर ये शॉर्मा प्लेस है, ये भी रात भर खुला रहता है, एंड आप चाहे तो यहाँ भी खा सकते हैं। एक चीज़ बता दूँ, हमारे यूनिवर्सिटी का नाम जो है डेनाइलो हेलिट्सकी लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जो स्टैचू है ये है किंग डेनाइलो का, तो इनके नाम पे हमारे यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है। वैसे यहाँ पर हमें जाना तो वहाँ पर है पहले, बट दोस्त लोग का फ्लैट यहाँ पर है, पहले यहाँ जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे सुपरमार्केट। आगे है प्रॉपर सेंटर, आगे मतलब एक मिनट दूर यहाँ से टाउन हॉल है। मैंने टाउन हॉल इनफ बार दिखा दिया है कि आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ कैसा है, सिटी कैसा है, हैपनिंग प्लेस है ये सबसे ज़्यादा। अभी तो मेरे को बहुत खाली दिख रहा है, नहीं तो ये रात भर पूरा भीड़ रहता है। तो दोस्तों का फ्लैट यहीं पर है, हाँ स्ट्रेट जाएंगे तो लाइक एक मिनट दूर टाउन हॉल है, एंड ये है इनका फ्लैट, तो लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है। पहले इनका फ्लैट चलते हैं। तो ये है इनका फ्लैट, दो रूम का फ्लैट है ये, दिस इज द फर्स्ट रूम। लाइट ऑन करना, अंदर का लाइट ऑन है। ये अंदर है सेकंड रूम, दिस इज द सेकंड रूम। एनीवे अभी इनको उठा के चलते हैं। अब लेना टाउन हॉल वहां पर है, और फिर यहां से सीधा यहां पर आगे ओपेरा हाउस है, और यहाँ पर ये सुपरमार्केट है। फाइनली वी हैव रीच्ड आर्सन द सुपरमार्केट। इस दुकान को हमारे मिडनाइट क्रेविंग्स और भूख की कदर है, और हमें इसके खुला होने की, तो हमने यहाँ से सब उठाया जिसके लिए हम यहाँ आए थे, जैसे कि पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स और हाँ चॉकलेट्स। अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पर दही और दूध से लेकर बटर और चीज़ तक, एग्स और चिकन से लेकर पोर्क और बीफ तक, बेसिकली यहाँ सब मिलता है। पहली बार आए थे तो हमें पानी और सोडा के बीच में डिफरेंशिएट करना बिल्कुल नहीं आता था। यहाँ पर जो बॉटल्स होते हैं, ये पानी का और सोडा का अगर हो रहा है तो दोनों बॉटल सेम दिखता है, बट फिर प्रॉब्लम ये होता है कि भाई हम लोग सब ने ऐसा ऑलमोस्ट किया था कि पानी की जगह हम लोग सब ने सोडा खरीद लिया था, तो डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलिंग कराने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सेंटर जाएंगे और ओपेरा हाउस के नीचे बैठ के थोड़ी देर चिल करेंगे, बट ऐसे जाने में मज़ा कहाँ है यार। तो हमारे भाई प्रज्वल ने लिया ये स्कूटर जो आपके कार्ड से अनलॉक होता है, और हम में से कार्ड सिर्फ उसी के पास था। हमको भी लिफ्ट दे दो। भैया जी लिफ्ट लिफ्ट भाई ड्रिफ्ट नहीं। चल सेंटर चल 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 चल। अब देखो स्कूटर एक हो या तीन, चलाएंगे तो हम तीनों ही। बारिश हो रहा है भाई। स्कूटी दिलों का शूटर। स्कूटर पार्टी ओवरटेक कर गई तुमको। ये भी ओवरटेक कर गई। हमारे भाई ने जो स्कूटर लिया है वो ये जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर वो कितना 10 का स्पीड भी नहीं जा रहा है वो, और बगल में जो दूसरे स्कूटर लोग पार हो रहे हैं वो उनका स्पीड भाई नॉर्मल चल रहा है,
ये भाई स्लो स्पीड में चला आ रहा है। स्कूटर बंद करने का प्रोसेस ये है, ऐसे स्कूटर कहीं भी रख दो एंड फोटो खींच के बोल्ट में डालना होता है, मतलब जिस भी कंपनी का स्कूटर है, ये कंपनी बोल्ट है। कितना लगा बे? 80 ग्रेवन, मतलब कितना होता है रुपीज में? 240 रुपये ऑलमोस्ट। अगर कभी किसी को करना है तो प्रज्वल है हमेशा, कॉन्टैक्ट हिम फॉर कार्ड डिटेल्स। ये 240-250 रुपये ऐसे खर्चा करने के लिए रेडी है हमेशा। क्यों 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 वही डिटेल बाद में दिया जाए। सो गाइस, एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट, ऑन अ हैप्पी नोट। ये सारा सीन, ये सारा शूट्स, ये सारा जो हम लोग अभी टाइम स्पेंड किए, हम लोग दिन में भी कर सकते थे, बट अभी रात के टाइम पे मौसम भी बहुत अच्छा था, और फिर यार बहुत टाइम हो गया, हम लोग रात को निकल के सेंटर आए हुए, हम लोग तीनों का ही आई गेस। एंड फिर अभी क्रॉक का प्रिपरेशन चल रहा था तो स्ट्रेस भी था घर पे। फिर हमने सोचा कि चलो एक बार रात को ही निकलते घूमने के लिए। सो या, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो,